Welcome to the channel of Doshi Classes. In this video, we are going to see a wonderful lesson, The Night I Met Einstein, written by Jerome Wideman. I'm going to explain this lesson in Hindi-English language for a better understanding. The video will also cover the answer for important questions and a little part of grammar. The Night I Met Einstein is written by Jerome Wideman. He is an American playwright and a novelist. Playwriter ये वो व्यक्ति होते हैं जो plays लिखते हैं, नाटक लिखते हैं और novelist novels लिखते हैं. इन्हें उपन्यासकार भी कहते हैं. In 1960, he won the Pulitzer Prize for his work, a musical drama titled Fiorello. He collaborated with George Abbott, Jerry Borzick and Sheldon Harnick for its music and lyrics. बच्चों, Jerome Wideman को 1960 में Pulitzer पुरस्कार मिला था. बच्चों, ये Pulitzer Prize उन्हें दिया जाता है जो एक बहुत अच्छी कामगिरी करते हैं जर्नलिज्म में, लेटर्स में और म्यूज़िक में. ये प्राइज़ कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है. उन्हें ये प्राइज़ एक म्यूज़िकल ड्रामा के लिए मिला था और जिसका शीर्षक था फियोरेलो. उन्हें अपने संगीत और गीतों के लिए जॉर्ज एबॉट, जेरी बोजिक और शेलन हार्निक के साथ सहयोग किया था. कोलैबोरेटेड का मतलब टू वर्क जॉइंटली, joint efforts. His book, I Can Get It For You Wholesale, has been used for a movie of the same name. इन्होंने किताब लिखी थी I Can Get It For You Wholesale और इसी नाम की एक फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया है. बच्चों, The Night I Met Einstein लेसन में नरेटर एक अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर से मिलते हैं जो नरेटर को एक जिंदगी का बेहतरीन लेसन और म्यूज़िक सिखाते हैं. और ये मोस्ट अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर दुनिया का मोस्ट ब्रिलियंट माइंड है. हाँ बच्चों, आप ये सही सोचते हैं, ही इज़ नन अदर देन द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन. तो ये लेसन में हमें नरेटर बताते हैं कि कैसे आइंस्टाइन ने उन्हें संगीत की सुंदरता से परिचय करवाया और इन्होंने दुनिया का बेस्ट म्यूज़िक सुनते हुए एक शाम गुजारी. नाउ लेट्स बिगिन विद द लेसन. When I was a very young man, I was invited to dine at the house of a philanthropist. Philanthropist का मतलब परोपकारी व्यक्ति. ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज के काम के लिए generously donate करते हैं. When I was a young man, जब मैं एक young man था, I was invited to dine. Dine का मतलब dinner. I was invited to dine at the house of philanthropic. तो एक परोपकारी व्यक्ति के घर मुझे भोजन के लिए, खाने के लिए आमंत्रित किया गया था. आफ्टर अ वंडरफुल डिनर आवर होस्टेस टुक अस टू लार्ज ड्राइंग रूम. चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड. होस्टेस का मतलब जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया था. तो जब शानदार डिनर ख़त्म हुआ तो उनके आयोजक ने उन्हें एक बड़े से ड्राइंग रूम में लेके गए. आई एम अरेंजिंग चेयर्स फॉर अ कॉन्सर्ट. My hostess said, we are going to listen to a very good pianist. तो उस बड़े से कमरे में एक संगीत का कार्यक्रम होने वाला था. कॉन्सर्ट का मतलब संगीत का कार्यक्रम. और इसलिए चेयर्स अरेंज किए जा रहे थे और वो एक अच्छे पियानो वादक को सुनने जा रहे थे. दो everyone else was very happy, I was not. I did not understand classical music. तो अपने लेसन के नरेटर मिस्टर जेरोम वेडमैन को क्लासिकल म्यूज़िक समझ में नहीं आता था और इसलिए वो इतने खुश नहीं थे. आई थॉट आई वॉज स्टोन डेफ. आई सेट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट एंड वेटेड फॉर द कॉन्सर्ट टू बिगिन. नरेटर को ऐसे लगता है कि वो एक टोन डेफ है क्योंकि उन्हें संगीत समझ में नहीं आता है और फिर भी वो वहाँ पर रुक गए क्योंकि वो इम्पोलाइट नहीं होना चाहते थे और वो कॉन्सर्ट की शुरुआत के लिए इंतज़ार कर रहे थे. तो यहाँ पे एक सवाल है, नरेटर खुद को टोन डेफ क्यों कहते हैं? नरेटर खुद को टोन डेफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें क्लासिकल म्यूज़िक अच्छी तरह से समझ में नहीं आती. आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूज़िक आफ्टर इट बिगन. आफ्टर अ वाइल आई हर्ड एवरी वन क्लैपिंग सो आई रियलाइज दैट द पीस वॉज ओवर.
जब म्यूज़िक शुरू हो गया तो मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने सभी को ताली बजाते सुना तब मुझे महसूस हुआ कि ये गाने का पार्ट ख़त्म हुआ है। तो हमें मालूम पड़ता है कि नरेटर ये कॉन्सर्ट में खुश नहीं थे। और क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि उन्हें क्लासिकल म्यूज़िक समझ में नहीं आती थी और इसलिए वो एंजॉय नहीं कर पाते थे। जस्ट देन आई हर्ड अ जेंटल बट फर्म वॉइस सेइंग, यू आर फाउंड ऑफ बैच। तभी एक कोमल पर फर्म आवाज़ ने कहा, यू आर फाउंड ऑफ बैच, तुम बाग के शौकीन हो। यहाँ पे बैच मतलब एक पोएट जिसका पूरा नाम है जोहान सेबास्टियन बैच। ये एक जर्मन म्यूजिशियन थे जो इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिंग के लिए जाने जाते हैं। व्हाई डिड द एडिसन आस्क द यंग मैन इफ ही लाइक्ड बैच? बिकॉज एडिसन कुड सी द नरेटर डिड नॉट एंजॉय द पियानो कॉन्सर्ट मच एंड बैच वॉज इन द नेक्स्ट लाइनअप। आई न्यू एज मच बैच एज डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। मैं बैच के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानता हूँ। इसका मतलब नरेटर को न्यूक्लियर फिजिक्स और बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। उस स्थिति से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैं कुछ ऑर्डिनरी कहने जा रहा था, कुछ साधारण सा कहने जा रहा था। आई टर्न्ड इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर एंड सॉ अ वेरी फेमस फेस। तो उन्होंने टर्न करके देखा और एक बहुत फेमस फेस था। इट वॉज समवन विथ अ शॉक ऑफ वाइट हेयर एंड पाइप। आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रुथ। तो उन्होंने देखा कि जैसे शॉक लगने से बाल खड़े होते हैं ना, तो वैसे वाइट हेयर खड़े हुआ व्यक्ति है और उनके पास एक पाइप भी है। तो ये कौन व्यक्ति थे? अल्बर्ट एडिसन। यू गॉट मी राइट। ही लुक्ड एट मी एज इफ माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बैच। आई सेड आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ हिज म्यूजिक। तो नरेटर को पता था एडिसन से सच बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मुझे बैच के बारे में कुछ नहीं पता और मैंने उनका संगीत कभी नहीं सुना। ही लुक्ड सरप्राइज्ड। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच? ही आस्क्ड। तो उन्होंने आश्चर्य से देखा और पूछा, आपने बैच का म्यूजिक कभी नहीं सुना? ही मेड इट साउंड एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेकन अ बैच। उनको मेरे कहने से इतना आश्चर्य हुआ जैसे मैंने कह दिया हो मैंने कभी स्नान नहीं किया। आई'ड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बैच। आई सेड बट आई एम नॉट एबल टू, आई एम टोन डेफ। मैं संगीत समझना चाहूँगा ताकि मैं बैच को समझ सकूँ, पर मैं टोन डेफ हूँ, संगीत मेरे समझ में नहीं आती। द ओल्ड मैन गॉट अप। यू विल कम अप विथ मी? ही आस्क्ड। तो मिस्टर एडिसन उठ गए और उन्होंने पूछा, तुम मेरे साथ आओगे? आई जस्ट रिमेंड सीटेड। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी, ही सेड अगेन। पर मैं बैठा रहा। उन्होंने फिर से कहा, आपको मेरे साथ आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो मैं उनके साथ ऊपर चला गया। वो मुझे कमरे में ले गए जिसमें एक ग्रामाफोन रखा था और एडिसन ने पूछा, आपको किस तरह का संगीत पसंद है? आई आंसर्ड, आई लाइक सॉन्ग दैट हैव वर्ड्स एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर आई कैन फॉलो द ट्यून। तो जिसमें शब्द हो, ऐसे गाने मुझे पसंद है और जो मैं समझ सकूँ, ऐसी म्यूजिक मुझे पसंद है। ही स्माइल्ड एंड नॉडेड, ऑब्वियसली प्लीज्ड। यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स? आप मुझे एक एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाई बिंग क्रॉस्बी। बिंग क्रॉस्बी ये एक अमेरिकन सिंगर है। तो नरेटर ने कहा कि उन्हें बिंग क्रॉस्बी द्वारा कुछ भी पसंद है। एट वंस आई कुड हियर बिंग क्रॉस्बीज वॉइस फिलिंग द रूम। तो बिंग क्रॉस्बी की आवाज़ पूरे कमरे में भर गई। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी वॉट यू जस्ट हर्ड? ही सेड। तो एडिसन ने पूछा कि आपने अब क्या सुना? द सिंपलेस्ट आंसर सीम टू बी टू सिंग द लाइन्स। तो इसका सबसे ईजी तरीका, सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये था कि वो गाने के लाइन्स गा के सुनाए। सो आई सेंग इट बैक टू हिम। ही स्माइल्ड, यू आर नॉट टोन डेफ। ही सेड, आई टोल्ड हिम दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, समथिंग आई हैड हर्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सो आई डिडेंट रियली प्रूव एनीथिंग। एडिसन ने कहा कि आप टोन डेफ नहीं हो। तो नरेटर ने जवाब दिया कि ये उनका
पसंदीदा गाना है, फेवरेट सॉन्ग है, जिसे उन्होंने सैकड़ों बार सुना है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम सुना है। व्हाई डिड आइंस्टाइन कंक्लूड दैट द लिसनर वॉज नॉट टोन डेफ? दिस इज बिकॉज ही कुड सी द यंग मैन एन्जॉइंग बिंग क्रॉसबी सॉन्ग टू द फुलेस्ट। Nonsense, said Einstein. It proves everything. Do you remember your first arithmetic lesson in the school? जब narrator ने कहा it proves nothing, तो Einstein कहते हैं कि ये बकवास है, nonsense है, ये सब कुछ प्रूव करता है। क्या आपको स्कूल के पहले arithmetics के lessons याद है? Suppose at you very first contact with numbers, your teacher had ordered you to work out a problem in say a long division or a fraction, could you have done it? Suppose, मान लो कि आप अभी अभी numbers के बारे में पढ़ रहे हो और आपके teacher ने आपको long division या fraction का सवाल दे दिया, तो क्या आप कर पाओगे? No, not of course. नहीं, बिल्कुल नहीं. Exactly, it's like learning maths. You have to learn addition, subtraction in order to do multiplication and division. तो ये गणित सीखने के जैसे हैं। आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना ज़रूरी है। नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस। अभी मैं एक एडवांस गाना सुनाता हूँ। इट वॉज जॉन मैकॉर्मैक सिंगिंग द ट्रम्पेटर। सिंग दैट बैक, ही ऑर्डर्ड। अब उन्होंने जॉन मैकॉर्मैक को सुनाया और कहा ये वापस गा के सुनाओ। एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम अ लेवल टू हायर लेवल अंटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूजिक विदाउट वर्ड्स। तो अभी वो एक लेवल से हायर लेवल तक जाते थे, जब तक कि बिना शब्द के सिर्फ संगीत बज रहा था। आई वॉज अमेज्ड दैट दिस ग्रेट मैन वॉज प्लेइंग कम्प्लीट अटेंशन टू मी सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये इतने ग्रेट व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति मेरी तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं ताकि मैं कुछ नया सीख पाऊँ। As if I was the most important person in his world. जैसे कि मैं इनके दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। Suddenly he got up and turned off the gramophone. Now young man, he said, we are ready to listen to Bach. तो अचानक से वो उठे और gramophone बंद कर दिया और कहा कि अब हम Bach सुनने के लिए तैयार हैं। We went down and sat in the hall. तो हम नीचे जाके hall में बैठ गए। Just allow yourself to listen, he said. He said, that's all there is to it. और उन्होंने कहा कि खुद को अलाउ करो, खुद को परमिशन दो कि ये गाना सुने, ये म्यूजिक सुने, और यही सब कुछ है। I have heard that piece many times since that day, but I am never alone. उस दिन के बाद मैंने वो पीस ऑफ म्यूजिक बहुत बार सुना, पर मैं कभी अकेला नहीं था। I am sitting beside a small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth. तो नरेटर को ऐसे लगता है कि जब भी वो ये पीस ऑफ म्यूजिक सुनते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि उनके पास में एक छोटा आदमी है जिनके बाल shock of untidy hair, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद जैसे बाल खड़े होते हैं ना, वैसे बाल है, and a pipe in his mouth, और मुँह में एक पाइप है। He has eyes that are unusually warm. When the concert was ended, I too was able to clap sincerely. तो जब ये concert, संगीत का कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैंने भी दिल से ताली बजाई। Our hostess came to us. तो जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया था वो हमारे पास आई। We both stood up. I am so sorry, Dr. Einstein, she said, giving me a cold look that you missed so much. तो hostess ने कहा डॉक्टर आइंस्टाइन ने बहुत कुछ मिस कर दिया। गिविंग मी अ कोल्ड लुक, उसने एक नरेटर को कोल्ड लुक दिया। व्हाई डिड द हॉस्टेस गिव द नरेटर अ कोल्ड लुक? क्योंकि हॉस्टेस को लगा कि नरेटर की वजह से आइंस्टाइन का कॉन्सर्ट का कुछ पार्ट मिस हो गया है। आई एम सॉरी टू, ही सेड, माई यंग फ्रेंड हियर एंड आई हाउ एवर वर एंगेज इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ विच अ ह्यूमन बींग इज केपेबल। तो मिस्टर आइंस्टाइन ने कहा कि उन्हें भी खेद है कि नरेटर और वो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी, द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी में एंगेज है, ऑफ विच अ ह्यूमन बींग इज केपेबल, जिसमें एक इंसान सक्षम है। शी लुक्ड पजल्ड, रियली, शी सेड, एंड वॉट वॉज दैट? अभी हॉस्टेस को समझ में नहीं आया कि ये दोनों ऐसे कौन से महान एक्टिविटी में बिजी हो गए। आइंस्टाइन स्माइल्ड एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर्स।
आइंस्टाइन ने मुस्कुराते हुए मेरे कंधों पर हाथ रखा और कहा, ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी। बच्चों, फ्रंटियर का मतलब होता है सरहद, बॉर्डर, एक्सट्रीम लिमिट। ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की सरहद, सुंदरता की बॉर्डर ओपन कर देना। तो बच्चों, ये एक बहुत सुंदर लेसन है जिसमें आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट ने नरेटर को म्यूजिक की ब्यूटी समझाने के प्रयास बताए हैं। क्या मिस्टर आइंस्टाइन एक अच्छे टीचर थे? आपको क्या लगता है? आइंस्टाइन वॉज इंडीड अ गुड टीचर। ही आइडेंटिफाइड द वीकनेस ऑफ द यंग मैन एंड डिवोटेड हिज टाइम, एफर्ट एंड नॉलेज फॉर हेल्पिंग हिम टू ओवरकम हिज हेजिटेशन। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। तो बच्चों, अब हम आइंस्टाइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हम सबको पता है कि मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 जर्मनी में हुआ। उन्हें बचपन में डिसलेक्सिया हुआ था। डिसलेक्सिया ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसके वजह से स्पेलिंग बनाने में, स्पेलिंग्स पढ़ने में, रीड करने में तकलीफ होती है। जब वो छोटे थे तो उन्हें मैग्नेटिक कंपास और ज्योमेट्रिक बॉक्स का बहुत आकर्षण था। नो डाउट वो बचपन से ही मैथ्स और फिजिक्स में एक्सेलेंट थे। जैसे हम सबको पता है, ये आगे जाके बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। इन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स, जो एक फील्ड ऑफ साइंस है, उसमें एक वर्ल्ड फेमस थ्योरी दी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc². और इस थ्योरी के लिए उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, जैसे द वर्ल्ड एज आई सी इट, रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड जनरल थ्योरी, द इवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स, द मीनिंग ऑफ रिलेटिविटी, वाई वॉर एंड एसे इन ह्यूमैनिज्म, जैसे बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। बच्चों, ये लेसन में हमें टाइप्स ऑफ म्यूजिक के बारे में क्वेश्चन है, तो वो समझ के लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वोकल्स दो टाइप्स के म्यूजिक हैं, वोकल म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। वोकल म्यूजिक ये वो म्यूजिक होता है जिसमें एक या उससे ज़्यादा सिंगर्स परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में एक और या उससे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स परफॉर्म करके म्यूजिक आती है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में वोकल्स नहीं होते हैं, कोई ह्यूमन वॉइस नहीं होता है। मतलब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बचते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स, पियानो एक्सेट्रा। पर वोकल म्यूजिक में नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन वॉइस हो, आवाज हो, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं। म्यूजिक का और एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिकल म्यूजिक, लाइट म्यूजिक और ट्रेडिशनल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक में एक डिसिप्लिन होता है, गाने का एक तरीका होता है, वैसे ही गाते हैं। ट्रेडिशनल म्यूजिक को फ्लॉक म्यूजिक भी कहते हैं। ये एक टाइप का पारंपरिक म्यूजिक है जो कोई कम्युनिटी या ट्रेडिशन गाते आते हैं। लाइट म्यूजिक ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, इसे क्लासिकल म्यूजिक के जैसे कोई डिसिप्लिन नहीं है और फोक म्यूजिक के जैसे किसी ट्रेडिशन से भी नहीं आते, तो लाइट म्यूजिक ये प्लेजेंट म्यूजिक है। तो चलो बच्चों, अभी थोड़ा ग्रामर सीखेंगे। रीराइट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन, दैट इज चेंजिंग द वॉइस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। देखिए बच्चों, इसके रूल्स हैं, जैसे वी हैव टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स। बच्चों, सेंटेंस को हमें पास्ट टेंस में लिखना है, पर अगर गिवन सेंटेंस ये फ्यूचर टेंस में है तो उसका टेंस नहीं चेंज करना है, और सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। चलो अभी इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यू आर नॉट टोन डेफ, ही सेड टू मी। सिंपल सेंटेंस है, इसके इन्वर्टेड कॉमास निकाल देने हैं और इसका आंसर होगा ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट टोन डेफ। देखिए यहाँ पे यू आर प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट टेंस कर दिया है, और इनडायरेक्ट स्पीच में यू के जगह पे आई आएगा। यू कुड हैव डन इट, सेड आइंस्टाइन। देखिए यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये सेंटेंस को चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में। इसका आंसर होगा आइंस्टाइन आस्क्स वेदर इफ़ आई कुड हैव डन इट। सिंग दैट बैक, ही ऑर्डर्ड मी। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सिंग दैट बैक ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या रिक्वेस्ट होती है। इसका आंसर होगा ही ऑर्डर्ड मी टू सिंग दैट बैक। ही सेड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक।
तो बच्चों ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर होगा ही आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आई लाइक्ड। आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन शी सेड। शी टोल्ड डॉक्टर आइंस्टाइन दैट शी वॉज वेरी सॉरी। आई एम सो सॉरी ये प्रेजेंट टेंस में है, इसको पास्ट टेंस में लेना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द लेसन वेल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।